हाय, गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो, और आज बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी चीज़ों की जो हम लोग हिंदुस्तानी है ना, हम इतने डरपोक हो चुके हैं और हमने अपनी ऐसी तैसी खुद करा चुके हैं। लॉकडाउन में उल्टी सीधी मेडिसिन खा खा के डर के मारे कि मुझे कहीं ये ना हो जाए, प्यार नहीं वो ना हो जाए, कोरोना कहीं मुझे प्यार ना हो जाए, मतलब इस कोरोना से प्यार ना हो जाए। तो अभी एक मेडिसिन आई थी फेवी फ्लू के नाम से, जो मैंने वीडियो भी बनाए थे अपने अपने पेशेंट्स को दी भी थी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये दवाई जो आई है इसमें ये था कि ये कोविड जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उन लोगों को दी जाएगी, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में दी जाएगी, और ये इमरजेंसी यूज़ के लिए मेडिसिन है, ना कि रूटीन यूज़ के लिए। और दूसरा, डॉक्टर जब तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जब तक इसको लिखेगा नहीं, और साथ में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरना होगा जिस पे डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे, पेशेंट के सिग्नेचर होंगे कि हाँ जी हम इस ट्रायल, ये ट्रायल में दी जा रही है कि हम इस ट्रायल के लिए तैयार हैं, है ना। तो लेकिन हो क्या रहा है, हिंदुस्तान है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम लोग इतने डर चुके हैं। मेरे पास अभी एक डॉक्टर का फ़ोन आया, उनकी शायद फैमिली में किसी की डेथ हुई थी कोविड की, जहाँ तक मुझे याद है, तो उनके घर वालों ने बिना टेस्ट कराए इस दवाई को खाना शुरू कर दिया। आपको मालूम है पहले दिन बहुत हाई डोज दी जाती है, 1800 mg सुबह शाम, और काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन है। डर के मारे उन लोगों ने ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। मेरे पास फ़ोन आया कि सर हम क्या करें। मैंने कहा कोविड टेस्ट कराओ। कह रहे जी वो करा लिया है, रिपोर्ट तो कल आएगी। मैंने कहा तो फिर आपने अभी से क्यों खानी शुरू कर दी। और आपको सबसे बड़ी बात है कि दी किसने, रिकमेंड किसने करी, या तो उस डॉक्टर को नहीं पता इस बात का कि ये दवाई कैसे दी जानी है। दिक्कत सारी यह आई पड़ी है कि केमिस्ट बिना एक डॉक्टर के पर्चे के और एक फॉर्म, ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए फॉर्म है, इस फॉर्म में दो जगह साइन होने हैं, यहाँ पे पेशेंट के सिग्नेचर, यहाँ पे डॉक्टर के सिग्नेचर। इस बिना फॉर्म के मेडिसिन कैसे दी जा सकती है और केमिस्ट कैसे दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। इलीगल है दोस्तों, क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ये मेडिसिन रूटीन यूज़ के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी यूज़ के लिए एक ट्रायल पे आई है, और आप डर डर के ऐसे खाना शुरू कर देते हो, घर में इकट्ठा करना शुरू कर रहे हो। अरे आपको मिली कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। उस केमिस्ट ने आपको कैसे दे दी बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना उस फॉर्म के। तो असली गुनाहगार इस सब में वो केमिस्ट है जिसने उनको मेडिसिन दी। वो जान पहचान में ले ली होगी, क्या फर्क पड़ता है। इस दवाई की एक्सपायरी 3 महीने की है सिर्फ, इससे ज़्यादा की एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ 3 मंथ्स की एक्सपायरी है। इसलिए कुछ लोग इसको जल्दी निकालना चाहते हैं जिनके पास आ गई है, अगर नहीं निकल रही है तो। लेकिन ये बहुत बड़ा एक क्राइम है अगर आप अपने आप दवा दे रहे हो, केमिस्ट अगर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उस फॉर्म के बिना, बिना कंसेंट के, बिना वो दवा दे रहा है, तो केमिस्ट सबसे बड़ा गुनाहगार है। उसके बाद ये इग्नोरेंस होती है उस लोगों पे जो डर डर के ये इस दवा को खाए जा रहे हैं। आपने टेस्ट भी नहीं कराया, आपको पता तक नहीं आपको कोविड है नहीं है, और आपने दवाई खानी शुरू कर दी। हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, इस दवाई के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, और अभी मैं प्रूफ के साथ फिर आऊँगा इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या हैं, और हम मैंने उसको कैसे हैंडल किया, और मैं कैसे कर रहा हूँ ये भी मैं बताऊँगा। और ये सब डॉक्टर्स को भी वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स को लगता है कि इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इससे लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं। भाई कौन सी दवाई ऐसी है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है कोरोना में, बता दो, एक सिंगल दवाई बता दो। लेकिन रिजल्ट हमें देखना होता है कि बेनिफिट ज़्यादा है या साइड इफेक्ट ज़्यादा है। अगर साइड छोटे मोटे हैं तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, अगर हम किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं, अगर हमें छोटे मोटे कोई साइड इफेक्ट अगर मिलते भी हैं तो हम बचा सकते हैं। आप कोई कहे जी मेरे बाल झड़ गए थोड़े बहुत, वो तो वापस आ जाएंगे, ये वैसे बता रहा हूँ इसका नहीं। अगर कोई कहे जी मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, तो आप यूरिक एसिड दवाई शुरू कर दो साथ में, मैं जैसे कर रहा हूँ मैं बताऊँगा कैसे कर रहा हूँ। तो बात यह है कि आपको एक जान बचानी है, मैं ये उनको नहीं कह रहा हूँ जिनको सिम्टम ही नहीं है। तो फिर लोग आप डर डर के खा जा रहे हो जिसको सिम्टम भी नहीं है, आपने टेस्ट भी नहीं कराया फिर भी आप खा जा रहे हो। किसने बोला आपको खाने को, सिर्फ आपके डर ने, आप डरे पड़े हो सिर्फ इस वजह से। बहुत गलत है दोस्तों, इस पर मेरे ख्याल से तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए जहाँ पे इस दवाई इस तरह से दवा दी जा रही है, क्योंकि ये खिलवाड़ है। बिना डॉक्टर के और पेशेंट की कंसेंट के बिना दवाई नहीं दी जा सकती, बिना फॉर्म को देखे हुए केमिस्ट ये दवाई नहीं दे सकता। जो ऐसा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी ये भारत सरकार से डिमांड है। क्या डिमांड करूं, या तो दवाइयां ब्लैक में बिक रही हैं, इंजेक्शन रेमडेसिविर जो है ब्लैक में बिक रहा है इंडिया में, या दिल्ली में 5,000 का इंजेक्शन जो है वो 15,000 का बिक रहा है। जी करो कुछ, हो कुछ जाता है।
समझ नहीं आता मरीज की बीमारी का इलाज कर रहे हैं या इन सब जो फैला हुआ करप्शन है उसका इलाज कर रहे हैं। कहीं बिना कहीं दवाई नहीं मिल रही है तो कहीं बिना पर्चों के दवाई मिल रही है। देख तेरे भगवान, तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इस कोरोना की गंगा में कोई बिना पर्चों के दवाई दिया जा रहा है और कहीं पे दवाइयां ब्लैक में मिल रही हैं। सीधे ढंग से कुछ नहीं होता इस हिंदुस्तान में। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, यस सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक फेविपिरावीर पे कि अपने आप मत लें, इतना मत डरें, इतने पैनिक में मत आएं कि आप अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं। पहले आपने तरह तरह के विटामिन, तरह तरह के काढ़े पी के अपने पेट की ऐसी तैसी करी, आज हर पेशेंट ये बोल रहा है मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है। आपको बताया, आपने पूछा तक नहीं काढ़ा पीना कैसे है, बनाना कैसे है, और शुरू हो गए सब। हर दवा के साइड इफेक्ट हैं। मिर्चें भी ज़्यादा खा लोगे ना एक चम्मच, अगले दिन पता चल जाएगा सुबह जब टॉयलेट जाओगे, हाय हाय मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। तो ऐसा मत समझो कि किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कोई, या तुम लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे एक ही आप लोगों से परेशानी है। मुझे कल किसी ने बोला सर आपके व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है लेकिन सब्सक्राइबर आपके इतने तेज़ी से बढ़ते क्यों नहीं है। मैंने कहा क्योंकि मैं उनको बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। कहता बोला करो ना, क्यों नहीं बोलते हो। मैंने कहा यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि यार एक डॉक्टर होकर मैं ये बोलूँ मुझे सब्सक्राइब करो, तो उनको अपने आप ही कर देना चाहिए। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो लोगों को अपने आप कर देना चाहिए, मुझे कहने की क्या जरूरत है इन लोगों को, ये सब मेरे अपने हैं। तो अगर अच्छा लगे, चलो आज मैं बोल ही देता हूँ यार, जैसे सब बोलते हैं ना, पहले मेरे वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर का बटन दबाएं, यहाँ बटन ही कोई नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना भाई हैं। आपका ये जो डॉक्टर है, थोड़ा सा मोटिवेशन आया था सच बताऊँ, जब रिजल्ट अच्छे आते हैं आपको लगता है, और मैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा तो मेरा थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी, यूट्यूब मुझे थोड़ा सा पैसा देता है, मुझे वो मिलेगा। मैं तो बहुत सीधे सीधे बात करता हूँ, मैं किसी लग वेट में बात ही नहीं करता हूँ, और अच्छे ढंग से पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। बजाय इसके कि आप गंदे काम करके, गलत काम करके पैसा कमाओ, अच्छे ढंग से पैसा कमाओ। और अगर मेरे यहाँ पे किसी मेरी बातों से लोग मोटिवेट होते हैं तो अगर मुझे थोड़ा बहुत उसका यूट्यूब पैसा देता तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सब्सक्राइबर बढ़ने से शायद मैं और लोगों तक पहुंच पाऊँ, शायद मैं और लोगों को भी ठीक कर पाऊँ। जब अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं मोटिवेशन कर सकता हूँ, जितनी मैं राइट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बस। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा अच्छे ढंग से कमाओ बस, यही। पैसा किस ढंग से कमाते हो वो एक बात है, किस ढंग से कमाते हो बस इतना ही है। आप कमीशन खा के, आप फलानी जगह से पैसे लेके, मरीजों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहे हो तो गलत बात है, ठीक है। मैं यूट्यूबर जो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक अच्छा काम कर रहे हो। वैसे तो बुरा काम करके भी कमा सकते हो यूट्यूब पे। ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं लोग, क्या बोलूँ मैं, तब भी। चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो भी आपका भला, नहीं करोगे तो भी आपका भला। मेरा काम चल रहा है, चलता रहेगा, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता रहूँगा। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। अब ज़्यादा बकवास नहीं, अब लोग मुझे गालियाँ भी देना शुरू कर देंगे। बाय, थैंक यू।